हेलो बच्चों, नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमें मिसलेनियस की अब ऑलमोस्ट लास्ट क्लासेस रह गई हैं, तो वो खत्म करना है ठीक है फिर हम इसके आगे की कहानी शुरू करेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं सबसे पहले हमने बारह ग्यारहवा रह गया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर इलेवन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है देखो क्या कह रहा है अजीपी कंसिस्ट ऑफ ऑक्यूपाइंग सॉरी

जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है भाई क्या ये एक इवन नंबर टर्म है जी बिल्कुल है क्योंकि टेन टर्म्स है, तो है अच्छा अब इसने कहा है कि जो इन पूरे इवन नंबर टर्म्स का जो सम है ना वो इनके ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के सम का फाइव टाइम्स है मतलब ये जो पूरे का ऑल का सम जो है वो फाइव टाइम्स है ऑड वाले प्लेस के सम का किस वाले के सम का ऑड वाले के प्लेस के सम का तो हमें ये करके दिखाना है बच्चों क्या करके दिखाना है ये करके दिखाना है तो अब एक बात बताओ अगर ये पूरा इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसका मतलब लास्ट टर्म कौन होगा 2n, सही बात है और जब ये पूरा का पूरा टर्म 2n है तो सिर्फ अगर मैं ऑड नंबर ऑफ टर्म्स उठाऊंगा तो बताओ क्या वो उसके हाफ नहीं होंगे भाई डेफिनेटली हाफ होंगे क्यों क्योंकि अगर ये दस टर्म है और दस टर्म के अंदर मैं ऑड वाले टर्म उठा रहा हूं तो कितने टर्म उठ रहे हैं पांच उठ रहे हैं तो इसका मतलब अगर मैं ऑल टर्म्स को लेता हूं तो टू एंड टर्म तक लेना पड़ेगा जबकि मैं अगर ऑड टर्म्स को लेता हूं तो कितने टर्म तक लेना पड़ेगा एंड टर्म तक लेना पड़ेगा कितने टर्म तक एंड टर्म तक क्योंकि वो उसका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों हाफ हो जाएगा ठीक है चलिए तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एपी लेट करेंगे सॉरी जीपी लेट करेंगे ठीक चलिए लेट द फर्स्ट लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी ए एंड द कॉमन एंड द कॉमन रेशो ऑफ जीपी आर नाउ हां जी फर्स्ट टर्म क्या है ए कॉमन रेशो क्या है आर ये भाई इनके टर्म्स हैं ये इनके क्या है टर्म्स हैं ठीक है अच्छा अब जब ये हो गया अब आगे देखेंगे नाउ द जीपी जीपी क्या होगा हाँ जी जीपी बच्चों कुछ इस प्रकार से होगी ए ए आर की स्क्वायर ए की क्यूब ए की फोर डॉट 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 ए की पावर टू एन माइनस वन क्यों क्योंकि जीपी यहां पे लिखेंगे जीपी हैज इवन नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इस तरीके से जीपी की इवन नंबर टर्म है ए से लेके ए आर की पावर टू एन माइनस वन तक ठीक है समझ में आ रही बात हमें ऐसे काम करना है अब सबसे पहले, भाई, अगर मैं first term, first term GP, तो क्या दे रखा है ए कॉमन रेशो ऑफ जीपी क्या दे रखा है आर नाउ इफ आर इज ग्रेटर देन वन देन द सम ऑफ सम ऑफ ऑल टर्म्स जी तो क्या होगा एस एन बराबर ए आर की पावर क्या हो जाएगा बच्चों पावर टू एन माइनस वन अपॉन में आर की पावर क्या हो जाएगा बच्चों आर की पावर टू एन माइनस वन आर की पावर क्या हो जाएगा टू एन माइनस वन ये होगा भाई ठीक है क्योंकि सम ऑफ ऑल टर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे किसकी बात हो रही है सम ऑफ ऑल टर्म्स की बात हो रही है बच्चों ठीक है चलिए अब देखेंगे यहां अब देखेंगे यहां नाउ नाउ द जीपी नाउ द जीपी विच ऑक्यूपाइज विच ऑक्यूपाइज ऑड प्लेसेस विच ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस ठीक है तो ऑड प्लेसेस के लिए हां जी तो जीपी क्या बनेगा ए ए आर की स्क्वायर यही बनेगा ना ठीक है, ए आर की स्क्वायर फिर ए आर की फोर डॉट 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 हाँ भाई, प्लेस, तो क्या इसके पीछे वाला ए आर की पावर टू एन माइनस टू टू एन माइनस टू तो बस सम, अब, अब देखो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी तो क्या बनेगा ए एंड कॉमन रेस ऑफ जीपी तो ए टू अपॉन में ए वन जी ए आर का स्क्वायर अपॉन में ए कट गया आर नाउ सम हाँ जी जीपी तो जीपी क्या होगा भाच? हाँ भाई सम ऑफ ऑर टर्म्स जी तो एस एन बराबर ए ए की जगह पे तो ए ही रहेगा R, R की जगह पे रहेगा आर की, की स्क्वायर और उसकी पावर एन माइनस वन अपॉन में आर स्क्वायर आर है आर स्क्वायर माइनस वन क्या रहेगा आर स्क्वायर माइनस वन यहां पे पे होता है है ना नीचे आर वन, और ठीक तो एस क्या वन गया? A, आर की पावर वन, आप में आर वन, आर मतलब वन के ऊपर का फॉर्मूला लगा दो माइनस बी ए प्लस बी ना अब इसने क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि sum of all सम ऑफ ऑड ऑक्युपाइंग प्लेसिसमल्टीप्लाई माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन आर प्लस वन जी ए से ए कटा इस पूरे से ये पूरा कटा आर माइनस वन से आर माइनस वन कटा यहां बच गया वन यहां बच गया फाइव यहां बच गया आर प्लस वन आर प्लस वन वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा फाइव प्लस का वन वहां जाके माइनस करेगा तो आर की वैल्यू आ गई फोर और यही हमें निकालना था कॉमन रेसो तो कॉमन रेसो कितना आ गया हमारा फोर आ गया ठीक है जल्दी से कर लो ये वाली बात समझ में आई ना ए आर की पावर टू एन माइनस टू कहां से आ गई अरे भाई जब लास्ट टर्म ए आर की पावर टू एन माइनस वन है तो ये इवन नंबर ऑफ टर्म है ना तो एक पीछे का लोगे तो क्या बन जाएगा ए आर की पावर टू एन माइनस टू ठीक है ठीक है नोट हो गया चलिए ये नोट हो गया होगा अगला क्वेश्चन बस वीडियो पॉज करके फटाफट ना नोट करता रह करो आप क्वेश्चन तो मैं एक से एक बेहतरीन वाले कराऊंगा आप लोगों को

ऑफ जीपी तो क्या बनेगा ए एंड द कॉमन रेशो ऑफ जीपी क्या बनेगा आर नौ नौ हाँ जी नौ जीपीज नौ जीपीज एर ए आर की स्क्वायर ए आर की क्यूब ए आर की पावर एंड माइनस वन यही बोला ना जीपी ऑफ एंड ये दिया हुआ है अब जैसा जैसा बोला वह करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस इज द सम ऑफ जीपी सम ऑफ जीपी हाँ भाई तो एस सम करो ए ए ए आर 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 की square, की स्क्वायर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर एन माइनस वन ठीक है तो सम कर लो भाई क्या बनेगा सम ठीक है ऐसा तो कुछ बन नहीं पाएगा तो सम ऑफ जीपी सम ऑफ जीपी इफ आर इज ग्रेटर देन वन ऐसे लिख लेना तो सबसे बढ़िया बन जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन सबसे बेस्ट ऐसा आ गया ना अब क्या बोला है पी इज द प्रोडक्ट ऑफ जीपी पी इज द प्रोडक्ट ऑफ जीपी तो जीपी का प्रोडक्ट, ए डॉट ए आर डॉट ए आर की स्क्वायर डॉट ए आर की क्यूब डॉट डॉट ए आर की पावर एन माइनस वन हां जी अब देखो ए को, को दो बार मल्टीप्लाई करते हो तो ए के ऊपर स्क्वायर आ जाता है ए को तीन बार मल्टीप्लाई करते हो तो क्यूब आ जाता जा 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 जा, है एक को सो बार मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर सो आ जाएगा जा तो ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर क्या आ जाएगा बच्चों एन आ जाएगा क्या आ जाएगा एन और ये आर बेस सेम है पावर एड हो जाएगी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस एन माइनस वन हांजी हां जी याद करो मैंने ये लिखवाया था वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट डॉट प्लस एन माइनस वन किसके बराबर होता है एन एन माइनस वन अपॉन टू के बराबर होता है है ना? तो चलो ये आ जाएगा एन एन माइनस वन अपॉन टू ये आ गया ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीपी रेसिप्रोकल G.P. ठीक है तो क्या है भाई आर समोकल वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन आर

A2 कितना है पलट दो जब पलट दोगे तो ये तो वन बाय टू बन जाएगा अब बताओ अब ये वन से बड़ा है छोटा ये तो वन से छोटा हो गया ना मतलब अगर आर वन से बड़ा है और उसे पलट दिया जाए तो वो फिर क्या हो जाएगा वन से छोटा हो जाएगा तो इट मीन अब जो आप सम लोगे उसमें फॉर्मूला कौन सा वाला लगाओगे ए की जगह पे वन बाय ठीक है वन माइनस आर आर की बाबर वन बाय वन आर और वन माइनस में वन बाय आर ठीक है ऐसा क्यों लिया हमने क्योंकि वन बाय आर जो है वो वन से क्या हो चुका है छोटा क्योंकि अगर आर एक से बड़ा है तो वन बाय आर एक से छोटा होगा ठीक है ठीक है ठीक है, थीक है? थीक है? ऐसा होगा आर वन बाय माइनस वन अपॉन आर की पावर एन और ये वन माइनस वन अपॉन आर सोल्व करो आर वन बाई ए वन माइनस वन की पावर एन तो कुछ भी हो जाओ वही आर की पावर एन अपॉन ये सॉल्व करो सॉल्व करो आर माइनस वन अपॉन आर आर बराबर वन अपॉन ए सोल्व करो इसके नीचे कुछ नहीं दो आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर की पावर एन r 1 में r पलट दो r 1 by a r की पावर n 1 में r की पावर n पलट दो r ऊपर r 1 नीचे बस इतना बहुत है नाउ वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव दैट बहुत बड़ा क्वेश्चन है दिखने में लग रहा है बस है नकली सा लेकिन है सही p² r की पावर n s की पावर n ये प्रूफ करना है हमें ठीक है ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है तो देखो कैसे करेंगे हाँ जी नाउ लेफ्ट हैंड साइड पी स्क्न एन माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर आर आर की पावर एन आर कितना है एक बटा ए आर पावर एन अपॉन आर की पावर एन इंटू आर आर माइनस वन की पावर एन, into R, R -1, की पावर एन. ठीक है और किसके बराबर प्रूफ करना है S, N की S की पावर पावर मतलब इन इन प्रूफ करना है क्या आर माइनस वन के ऊपर एन आ, आ जाएगा जी आ जाएगा बस ठीक है फिर तो बात ही खत्म गई ए अब टू से करेंगे तो ये बन जाएगा टू एन इससे करेंगे टू से टू कट जाएगा आर की पावर एन एन माइनस वन इन टू में वन अपॉन ए भाई एन कह लेंगे एन यह आ जाएगा आर की पावर एन माइनस वन एन यह आर एन इन टू एन एन का स्क्वायर और एन टू आर और यह बन जाएगा की होल पावर भाई बन गया आर की एन की एन स्क्वायर तो एक बार आर एन से एक बार आर एन कट गया ठीक है अब यहां सॉल्व करेंगे भाई जरा यहां सॉल्व करेंगे, करेंगे क्या बनेगा ए की पावर टू एन है तो क्या मैं इसको ए की पावर एन डॉट ए की पावर एन लिख सकता हूँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ क्यों क्योंकि बेस से मैं तो पावर ऐड हो जाएगी फिर ये अंदर मल्टीप्लाई करो एन स्क्वायर माइनस एन ठीक है इन टू वन अपॉन में ए की पावर एन इन आर की पावर एन माइनस वन की पावर एन अपॉन की पावर एन ये पूरा तो कट गया इन टू वन की पावर एन ठीक है अब a एक बार n से a एक बार an कट गया an डॉट भाई बेस से में पावर ऐड होएगी rn2 डॉट r की पावर -n ठीक है r की पावर n 1 की पावर n ठीक है अपॉन में r की पावर n डॉट r minus इसके n एक बार n से एक बार n खत्म भाई पावर माइनस में नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में rn बच गया ये नीचे आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में r की बार n तो 1 की होल पावर n ये पावर नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी r 1 की बार n r n से r n कट गया बचा a की पावर n r की पावर n 1 अपॉन n r 1 का होल पावर n ठीक है अब सबकी पावर n कॉमन ले लो इसकी 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 तो बनेगा a r की बार n 1 r 1 और पूरे की पावर क्या कॉमन ले ली हमने n हां भाई ये पूरा देखने में इसकी तरह लग रहा है और ये पूरा किसके बराबर है एस के तो यानी एस की पावर एन एस की पावर एन और यही हमें प्रूफ करना था Hence, ठीक है? करो इसे करो इसे. देख लो दो क्वेश्चन कराए और दो क्वेश्चन में कितना टाइम खर्च हो गया बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं बढ़िया बढ़िया लेवल एक नंबर वाले चलिए हो गया होगा ये ठीक yeah. है चलो एक क्वेश्चन और देखो हाँ जी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखो ए वन प्लस बी वन अपॉन में सी कोमा बी वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ए कोमा सी वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी कह रहा है ये पहले से ही एपी में है पहले से ही किसमें बच्चो ये बच्चों ये एपी में है. तो कह रहा प्रूफ करो कि ए बी सी बी एपी में तो ठीक है जी प्रूफ कर देते हैं अब मुझे एक बात बताओ हमें मुझे यहां दिख रहा है कि सारी के सारी टर्म अपॉन में लेकिन ए बी और सी ये अपॉन में नहीं है तो कर दूंगा ना इसको कैसे कर सकता हूं भाई जबरदस्ती कॉमन लेना होगा तो जबरदस्ती कॉमन कैसे लेंगे सबको वन 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 ऐड करा दो क्यों क्योंकि भाई अगर मान लो कोई एपी है दो चार छ तो भाई इसके बीच का गैप दो इसके बीच का गैप दो अब इन सब में वन वन ऐड कर दो इन सब में वन वन ऐड कर दो थ्री फाइव सेवन देख रहे हो क्या देखा आपने एपी बदल, बदल गई लेकिन डिफरेंस चेंज नहीं हुआ एपी बदल गई लेकिन डिफरेंस चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऐड कुछ कर दे या माइनस कुछ कर दे तो एपी में कोई फर्क नहीं, हो, नहीं होता लेकिन करना सब में ही है ठीक है तो सारे एपी में क्या कर दो एडिंग वन एडिंग वन तो एपी में एड करो ए वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन कॉमा b 1 upon c plus 1 upon a plus 1 comma c 1 upon a plus 1 upon b plus 1 और ये बन जाएगा जबरदस्ती a कॉमन लो तो अंदर बचेगा a plus b a plus c जबरदस्ती कॉमन लिया है तो जब भी कोई चीज जबरदस्ती कॉमन लेते हैं नीचे आ जाती है फिर यहां से जबरदस्ती b कॉमन लो 1 upon c plus 1 upon a plus 1 upon b ठीक है नीचे आ जाएगी जबरदस्ती कॉमन लेने पे ठीक है c कॉमन लो जबरदस्ती 1 upon a plus 1 upon b plus सी जबरदस्ती तो भाई हमें क्या देखा कि जब भी किसी एपी को सेम नंबर से ऐड कर दो या सेम नंबर से समझ रहे हो मेरी बात सेम 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 नंबर 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 से ऐड कर 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 दो 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 माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो एपी में कोई चेंज नहीं आता वो हमेशा क्या रहता है एपी ही रहता है तो क्या करो सबको डिवाइड करो डिवाइडेड बाय सबको डिवाइड कर दो वन अपॉन ए प्लस बी प्लस सी से सबको कर दो तो क्या बनेगा ए कट गया डिवाइड होके कट गया डिवाइड होके कट गया डिवाइड होके एन किस में एपी में क्योंकि हमने एपी के साथ कोई छेड़खानी की ही नहीं तो ये आपका एपी बन गया ठीक है नोट कर लो इसे इसके बाद क्वेश्चन नंबर सत्रह आपको खुद करना है भाई और नाइनटीन करा चुका हूं ट्वेंटी देखो ट्वेंटी कराता हूं ट्वेंटी कराता हूं ठीक है नोट कर लिया होगा ये ट्वेंटी और देख लो फिर आज यही खत्म फिर ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया एक क्लास और लेके चैप्टर खत्म कर दूंगा देखो ट्वेंटी आपको खुद करना है ठीक है ट्वेंटी क्वेश्चन देखो हाँ भाई कह रहा है एबीसी बी सी एपी में जब ए बी सी एपी में तो एक हमने क्या सीखा है कि जब तीन टर्म दी हो तो पहले और आखिरी वाले का एड बीच वाले के बराबर होता है बीच वाले के ट्वाइस के बराबर होता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब कह रहा है जीपी b c d जो है वो जीपी में है तो ठीक है जी बीच वाले का स्क्वायर पहले और आखिरी वाले के मल्टीपल के बराबर होता है सेकंड अब कह रहा है फिर से जीपी 1/c 1/d 1/e इसके बराबर है तो ठीक है सॉरी एपी में सॉरी एपी में तो ठीक है जी पहले और आखिरी वाले का ऐड ट्वाइस ऑफ इतना ऐड कर दो ऐड करोगे तो क्या बनेगा सी प्लस ई अपॉन में सीई टू बटा डी ठीक है ये आ गया थर्ड ठीक है अब हमें प्रूव करना है कि ए सीई जीपी में ए सीई ए सीई जीपी में ठीक है जी हो गया खत्म आज का आखिरी क्वेश्चन हाँ भाई क्या चाहिए ए सीई सी है ई e है ए और चाहिए तो उठाओ थर्ड को क्योंकि और किसी में सी और ए दो एक जैसी चीजें नहीं है इसमें है तो सी ए है लेकिन आने की संभावना कुछ नहीं तो इधर से करेंगे टेक इक्वेशन थर्ड टेक इक्वेशन थर्ड सी प्लस ई e, सीई e बराबर टू अपॉइंट में डी ठीक है टू अपॉइंट में डी अब क्या करें भाई क्या करना है क्या करना है क्या करना है तो एक काम करो यहां से डी की वैल्यू निकालो बच्चों डी की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगी सी स्क्र अपॉन में बी तो यहां में पुट करो सी प्लस ई सीई सी हाँ भाई डी कितना है सी स्क्वायर अपॉन में बी पलट दो पलट दो तो सी प्लस में ई e अपॉन में सीई e, बराबर पलट दोगे तो अपॉन में सी स्क्वायर एक सी से एक सी गया तो बस c प्लस ई अपॉन में ई बराबर टू बी टू बी किसके बराबर है a plus c c. C e प्लस सी अपॉन में सी सी क्वेश्चन बराबर ए e. हाँ भाई तो सी स्क्वायर बराबर ए e, बीच वाले का स्क्वायर बराबर दोनों वाले का सो so, सो so, क्या लिखेंगे भाई So, A, C, E, R, N, G, P. ठीक है जी R, N, G, P. ठीक है तो इस तरीके से बच्चों आपकी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म हो गई है ठीक है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम ठीक है और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके और भी लाजवाब क्वेश्चनों के साथ ठीक है तो करो इसको फटाफट और खत्म हो गया आपका भी ये